हेलो एवरीवन, आज मैं आप लोगों के लिए पके हुए करेले की बहुत ही हेल्दी और टेस्टी सी रेसिपी लेकर आई हूँ। अक्सर जब घर में करेलियाँ पक जाती हैं तो उसे हम लोग फेंक देते हैं, लेकिन आज इसी पके हुए करेले से मैं बहुत ही टेस्टी और हेल्दी रेसिपी बनाने जा रही हूँ जो सबको बहुत पसंद आएगी और आप कभी भी पके हुए करेले को फेंकेंगे नहीं। तो चलिए इस आसान सी रेसिपी को हम बनाना शुरू करते हैं। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले करेले को काटने से पहले हम करेलियों को धो लेंगे। तो करेले को मैंने अच्छे से धो लिया और इसे मैंने लंबे लंबे इस तरह से टुकड़े में काट लिया है। अब सबसे पहले गैस के ऊपर हम एक बर्तन चढ़ाएंगे और इसमें 1.5 से 2 गिलास पानी डालेंगे, या पानी उतना ही डालेंगे ताकि करेली हमारा अच्छे से डूब जाए। अब इसमें हम थोड़ा सा नमक डाल देंगे और इसे हम ढककर हाई फ्लेम पर एक बार उबाल लेते हैं। तो देख सकते हैं हाई फ्लेम पर मैंने इसे उबाल लिया है और पानी में एक अच्छा सा उबाल आ गया है। अब जो मैंने करेलियों को कट करके रखा, तो एक एक करेली को हम पानी में डाल देंगे। पानी में नमक जरूर से डालेगा, इससे करेली क्या होंगे कि जल्दी सॉफ्ट हो जाएंगे। अब इसे हम ढककर गैस की फ्लेम को कम कर देंगे और इसे 5 से 7 मिनट तक पकने देंगे। इसे हम तब तक पकाएंगे जब तक कि हमारी करेली सॉफ्ट ना हो जाए। तो 5 से 7 मिनट हो चुके हैं, तो देख सकते हैं करेली हमारी अच्छे से सॉफ्ट हो गई है। अब हम गैस के फ्लेम को ऑफ कर देते हैं और करेली को हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। अब एक फोक की सहायता से गरम गरम करेली को भी हम इस तरह से अच्छे से मेस कर लेते हैं। यदि आप हाथों से मेस करेंगे तो इसे ठंडा करके ही मेस कीजिएगा, नहीं तो हाथों में लग सकते हैं। मैं इसे फोक से कर रही हूँ इसलिए इसे गर्म गर्म में ही कर ले रही हूँ। गर्म गर्म में ये जल्दी से मेस हो जाते हैं। आप चाहे तो करेली के बीज को फेंक सकते हैं, लेकिन मुझे करेली के बीज अच्छे लगते हैं इसलिए मैंने इसे रखा है। तो करेले को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है, इसे मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसमें हम स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे। नमक हम ध्यान से ही डालेंगे क्योंकि इसे उबालते समय भी मैंने नमक डाला था। अब इसमें 1 छोटा चम्मच सरसों का तेल डालेंगे। सरसों के तेल से इस चटनी का जो स्वाद है बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है। अब इसमें हम 1 बारीक कटा हुआ हरी मिर्च डालेंगे। आप सोच रहे होंगे करेली आगे से ही कड़वी है और इसमें मिर्ची, लेकिन करेली का कड़वापन जो है वो अपनी जगह है और मिर्ची का जो तीखापन है वो अपनी जगह है, इसलिए हरी मिर्ची इसमें जरूर से डालेगा, इससे इसका टेस्ट जो है बहुत ही अच्छा आता है। अब इसमें 1 छोटे साइज का प्याज जिसे मैंने बारीक कट कर लिया उसे भी हम इसमें डाल देंगे और इसे आगे हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इसे मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसमें हम थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे। यहाँ पर मैं 1 नींबू ली हूँ, तो नींबू का रस इसमें ज़रूर से डालिएगा। मैं 1 पूरा नींबू डाल दूँगी, क्या होगा इससे कि करेली का कड़वापन है वो खत्म हो जाएगा। तो सारे रस को हम इसमें निचोड़ के डाल देते हैं और एक बार इसे हम फिर से अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ये चटनी इतनी टेस्टी लगती है खाने में कि मैं आपको बता नहीं सकती। यदि आपके घर भी करेली पक जाती है तो आप उसे फेंकना, इस तरह से आप उसकी चटनी या चोखा बनाएं। ये दाल चावल रोटी के साथ में बहुत ही अच्छी लगती है। मैं इसे आपको चावल के साथ में सर्व करके दिखाती हूँ, खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। उम्मीद है आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। यदि पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।